बड़ी खबर सामने आ रही है, आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होनी है। बता दें आपको कि शाम के 5:30 बजे के करीब संसद भवन में बैठक होगी, चेयरपर्सन का चुनाव होना है। फिलहाल सोनिया गांधी है चेयरपर्सन, नेता विपक्ष का भी चुनाव होगा। और आपको बता दें कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष चुना जा सकता है, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। तो कांग्रेस की बैठक को लेकर के यह खबर है। बता दें आपको कि आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होनी है, शाम 5:30 बजे के करीब संसद भवन में ये बैठक होगी, जिसमें चेयरपर्सन का चुनाव होना है। और आपको बता दें कि नेता विपक्ष का भी चुनाव हो सकता है। फिलहाल सोनिया गांधी चेयरपर्सन हैं और हो सकता है राहुल गांधी को नेता विपक्ष चुना जाए। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज पहली बैठक होने जा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में यह बैठक होगी, जिसमें झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी शामिल होंगे। और इस बैठक में लोकसभा चुनावों के परिणाम की समीक्षा और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। तो दिल्ली में कांग्रेस की यह बैठक होने वाली है। इस बैठक में आपको बताते चलें, सीडब्ल्यूसी के जितने भी सदस्य हैं वो शामिल होंगे। और आपको ये भी बता दें कि इस बैठक में लोकसभा चुनावों के परिणाम की समीक्षा की जाएगी। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से बिहार में जेडीयू काफी ज्यादा उत्साहित है। जेडीयू के नेताओं ने पटना में तरह तरह के पोस्टर्स लगाए हैं। एक नया पोस्टर सामने आया है, जिसमें नीतीश कुमार की तुलना टाइगर से की जा रही है और पोस्टर पर लिखा है कि टाइगर अभी जिंदा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र। लोकसभा चुनाव के बाद अब दिल्ली में एनडीए की सरकार बनाने की कवायद हो रही है, तो दूसरी ओर देखिए पटना में पोस्टर लगाए जा रहे हैं। पहले एनडीए की एकजुटता को लेकर पोस्टर लगाया गया, तो अब टाइगर जिंदा है, नीतीश कुमार की तस्वीर बाघ के साथ दिखाई गई है। क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में जदयू का बिहार में प्रदर्शन रहा है, उससे कहीं ना कहीं जदयू के नेता काफ़ी उत्साहित हैं। मंत्रिमंडल का डिमांड भी किया जा रहा है कि अधिक से अधिक मंत्रिमंडल में जगह जदयू को मिले। और यहाँ देखिए जदयू के जो नेता हैं सोना सिंह, उन्होंने टाइगर जिंदा है कर करके पटना में एक बड़ा पोस्टर लगाया है। यह पोस्टर तारामंडल के ठीक बगल में है और पटना का सबसे बड़ा पोस्टर यही है। और यहाँ पर टाइगर जिंदा है के स्लोगन के साथ नीतीश कुमार की तस्वीर दी गई है। मतलब साफ है कि बिहार में जिस तरीके से जदयू बड़े भाई की भूमिका में शुरू से रहा है, एक बार फिर लोकसभा चुनाव के बाद यह बताने की कोशिश है कि जदयू बिहार की सियासत में हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहेगा। शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। पटना के चौक चौराहों पर टाइगर जिंदा है कि पोस्टर सुर्खियों में है और इस पोस्टर में नीतीश कुमार को टाइगर बताया जा रहा है, जिसको लेकर बिहार के मंत्री और बीजेपी नेता नितिन नवीन ने कहा है कि नीतीश कुमार वाकई राजनीति के टाइगर हैं, क्योंकि राजनीति के शेर की संज्ञा उसी को दी जाती है जो जनता के बीच जाकर के काम करता है। मैं तो टाइगर तो है, इसमें कहा, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं है। राजनीति के जो शेर होते हैं, जो लगातार काम करते हैं, जनता के बीच में सेवा करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हीं को शेर का संज्ञा दिया जाता है। लोकसभा चुनाव परिणाम आने के बाद एनडीए के सभी नेता सीएम नीतीश के चुनावी संकल्प को पूरा करने में जुटे हुए हैं। बेतिया से जीते हुए एनडीए उम्मीदवार संजय जायसवाल ने कहा है कि हमारा एजेंडा विकास का है, जिसकी वजह से 2025 विधानसभा चुनाव के पहले सीएम नीतीश ने 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के वादा जो किया, और वो उस वादे को पूरा करके ही बिहार की जनता के पास जाएंगे। बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, हमारा एजेंडा विकास का है। माननीय नीतीश जी के तहत हम लोगों ने जो 2020 में सरकार बनाई थी, हमने 10 लाख नौकरियों का और 10 लाख रोजगार का वादा किया था। आज भी हम उस पर अडिग हैं और नीतीश जी का और हमारे सम्राट जी और विजय सिन्हा जी का बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि नीतीश कुमार जी ने और 7 निश्चय के तहत जो भी वादे हैं, वह सारे वादे पूरे करके ही हम बिहार में जनता के पास जाएंगे। मुजफ्फरपुर पहुंचे नव निर्वाचित सांसद पप्पू यादव का जोरदार स्वागत किया गया। पप्पू यादव के समर्थकों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। इस दौरान पप्पू यादव ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा है कि अगर तेजस्वी यादव के अंदर घमंड नहीं होता तो इंडिया अलायंस 25 सीट और जीतता। मोदी की गारंटी, अब बोलेंगे एनडीए की सरकार, एनडीए की गारंटी। जो बात हम पहले भी कहते थे 230 से ज्यादा नहीं आएगा, वो तो आप ये मांगिए
यदि बिहार के युवराज के भीतर एरोगेंसी और अहंकार नहीं होता तो बिहार कम से कम 25 सीट जीतेगी। हर 100% मुजफ्फरपुर के मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में अचानक चलती कार में आग लग गई। आधे घंटे में पूरी कार जलकर खाक हो गई और कार में होमगार्ड के प्रदेश अध्यक्ष सहित चार लोग सवार थे। जानकारी के मुताबिक कार में अचानक धुआं निकलने लगा, जिसके बाद कार में सवार चारों लोग कार से बाहर निकलकर भागे और आग लगने की सूचना अग्निशमन विभाग को भी दी, जिसके बाद दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। छोटी वाहन जो है विश्वविद्यालय थाना में रहता है वो आ गया है और फायर का जो है काम हम लोग किए और उसके साथ साथ बड़ी वाहन जो है 4500 लीटर की जिसकी कैपेसिटी है और नई वाहन है उसके साथ हमने इस आग को जो है सभी शमन किया है। भोरिया बाजार जा रहे थे दाढ़ी बनवाने, इसी बीच में भी चक्कर चौक के पास जो है चलती गाड़ी में एकाएक अपने आग धर लिया। भगवान को थैंक्स, बाबा विश्वकर्मा को थैंक्स, अब चार आदमी थे, चारों आदमी बाल बाल बचे। पटना सिटी के खाजेगला में गुरुवार को मोहम्मद औरंगजेब हत्याकांड का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में तीन अपराधी दिख रहे हैं जो पहले मोहम्मद औरंगजेब से बात करते हैं, फिर गोली मारकर आराम से निकल जाते हैं। सड़क पर अचानक गोली चलने से इलाके में हड़कंप मच जाता है। स्थानीय लोग औरंगजेब को अस्पताल पहुंचाते हैं लेकिन डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। परिजनों ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। आरा के सीआरडी गांव में अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक अपराधी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल अपराधी किसी बड़ी आपराधिक घटना की प्लानिंग कर रहे थे। सूचना मिलते ही पुलिस ने घेराबंदी करते हुए फायरिंग की और एक अपराधी को जख्मी हालत में गिरफ्तार करके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। सहरसा में अपराधियों ने वकील को पुराने विवाद में गोली मारकर जख्मी कर दिया। केस उठाने को लेकर के विवाद में अपराधियों ने वकील को 5 गोलियां मारी। आपको बता दें कि वकील को गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना सदर थाना क्षेत्र के भेलवा गांव की है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। नीलाधर शर्मा अधिवक्ता जो कि अपने कोर्ट से घर जा रहे थे दिन भर काम करके, भेलवा चौक पर अभिमन्यु कुमार और शिवम कुमार रामशेठ यादव, उसके बाद कैलू यादव, मिथिलेश कुमार, शिवा कुमार और अज्ञात 15 आदमी थे। तो कुछ लोग के द्वारा मारपीट एवं गोली मारा गया, पैर और हाथ में। पूर्व सही लोग का विवाद चलता है। 2023 में मारपीट की केस हुई थी, उसमें कुछ लोग उसके मुताबिक जेल में भी है। बाढ़ में रेलवे स्टेशन परिसर में बजरंग बली मंदिर को हटाने का विरोध शुरू हो गया। लोगों ने रेल प्रशासन का जबरदस्त विरोध किया। मंदिर हटाने की सूचना पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बाढ़ रेल परिसर में अमृत भारत स्टेशन के तहत काम चल रहा है। रेलवे प्रशासन ने पहले मंदिर नहीं हटाने की बात कही थी लेकिन फिर अचानक मंदिर हटाने की सूचना मिली, लेकिन लोगों का कहना है कि किसी भी कीमत पर मंदिर नहीं हटाने देंगे। लोगों के विरोध को देखते हुए अभी रेल प्रशासन पीछे हट गया है। कि होता क्या है, मजार बहुत बहुत सारे जगहों पे प्लेटफॉर्म के बीच में होता है, उसको तोड़ने के लिए कोई पुलिस प्रशासन नहीं, कोई पदाधिकारी आगे नहीं आते हैं। जहां मंदिर की बात होती है तो रोड हो कहीं वो सीधा होता है कि मंदिर को तोड़ दो, और उसका परिणाम देखिए आज के रेट में देख रहे हैं। अभी 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 चुनाव समाप्त हुआ है तो इसका परिणाम आप देख सकते हैं अयोध्या में। विकास नहीं, ये विनाश कर रहा है। ये जेपी सिंह को बहुत अच्छा से जैसे सबक मिल जाएगा। हम बोले ही बात के हमारा सीएम को भी मिलेगा अच्छी तरह से सबक। हम बोले कि चंदा से हमारा बुलाइए। गुमला में आंधी तूफान से तबाही का मंजर देखने को मिला। सिसई प्रखंड में तेज आंधी तूफान ने जमकर कहर बरपाया। कई घरों की छतें उड़ा ले गए, कई पेड़ धराशायी हो गए। सबसे ज्यादा नुकसान मुर्गू दिगदोन गांव में हुआ। आपको बताते चलें कि करजनटोली गांव में भी लोगों के घरों की छत उड़ गए और एक मवेशी की भी मौत हो गई। पीड़ित प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं।
मुजफ्फरपुर के औद्योगिक क्षेत्र बेला इंडस्ट्रियल एरिया में वियाडा की ओर से दी गई शेड को नहीं खाली करने को लेकर के उद्यमियों ने जमकर के बवाल काटा। हंगामे को देखते हुए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल को बुलाया गया, लेकिन आक्रोशित उद्यमियों ने अपना आक्रोश व्यक्त करते रहे और खाली करने से इनकार भी किया। आक्रोशित उद्यमियों के अनुसार मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत उद्यमियों का सिलेक्शन किया गया था और उन्हें ग्रुप सी के तहत सिलेक्शन कर सीट उपलब्ध करवाया गया था, लेकिन अब उस बता दें आपको कि अब उस शेड को खाली कराया जा रहा है। जिन उद्यमियों ने अपना उद्योग लगा दिया है, अचानक से उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। यहाँ पे SDO साहब के यहाँ से एक प्रतिनिधि हुई थी कि यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ था, उसको शिफ्ट करना था। उसके संदर्भ में वियाडा के द्वारा लेटर दिया गया था प्रशासन को, उसी के संदर्भ में प्रतिनिगत हुआ था। उसके संबंध में सुबह से हम लोग यही काम करवा रहे हैं, उसको निकलवा के उधर रखवा रहे हैं। और कुछ लोग आए थे अंदर, फिर उनको रिक्वेस्ट करके बाहर कर दिया गया। और फिर जो है कुछ महिलाएँ थीं जिन्होंने ईंटा पत्थर भी चलाया, लेकिन हम लोग ने बहुत हमारे पुलिस प्रशासन ने बहुत संयम के साथ काम करते हुए उनको समझा बुझा के बाहर कर। प्रशासन के साथ में आया है सर, हम लोग मशीन सब खाली करवा दिए, बाहर निकाल के फेंक दिया। यहाँ पे सबको मतलब जिसको भी मतलब बहुत बेरहमी से पीटा, उद्यमी लोग को बहुत बेरहमी से पीटा, जो महिला को अंदर लेके गया है उनका जेंट्स पुलिस महिला सबको मारा, हमको भी मारा। यहाँ पे जेंट्स पुलिस मारा है, महिला पुलिस नहीं, महिला पुलिस अंदर से जेंट्स पुलिस सब लाठीचार्ज कर रहा है। जो शेष बचे 232 उद्यमी है उनको घर जाने की बात है, तो जब शेष बचे की बात हो रही है तो जो यहाँ ऑलरेडी अपना शेड आवंटित हो चुका है जिनका, और जो उद्योग चला रहे हैं उनको निकालने की बात कहाँ से आ रही है? ये तो वियाडा की मनमानी है। और ये लोग जब अपनी असमर्थता बता रहे हैं कि नहीं हम जाने बाहर उद्योग लगाने में सक्षम नहीं है, हम यही कर पाएंगे, तो ऐसे लोगों को जबरदस्ती बलपूर्वक प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज करके आज निकाला गया, इन लोगों के सामानों को जबरदस्ती हटा गया। गया के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में 25वीं पासिंग आउट परेड होनी है। प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके 118 कैडेट्स आज सैन्य अधिकारी बनेंगे। पासिंग आउट की पूर्व संध्या पर मल्टी एक्टिविटी डिस्प्ले का आयोजन हुआ, जिसमें जवानों ने आसमान से लेकर के जमीन तक हैरतअंगेज करतब दिखाए। बिहार के नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने जमुई के 550 हेक्टेयर में फैले नागी पक्षी अभयारण्य नकटी बर्ड सेंचुरी में शामिल कर लिया, जिससे नागी और नकटी वेटलैंड के संरक्षण और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मदद मिलेगा। वन विभाग के पदाधिकारी ने रामसर सूची में शामिल होना बिहार और जमुई के लिए गर्व की बात बताया। अंतर्राष्ट्रीय विश्व पर्यावरण दिवस पे हमारा नागी नकटी को पूरे देश की 81st और 82nd वेटलैंड्स हैं बस जो रामसार में इंक्लूड हुई है, और बिहार की ये सिर्फ दूसरी और तीसरी। बिहार में सिर्फ एक अभी कमरताल है बेगूसराय जिले में, उसके अलावा ये दूसरी और तीसरी वेटलैंड्स है जिनको ये स्टेटस मिला है। क्या बेनिफिट्स होंगे इससे? बेनिफिट हाँ, इसमें मेन एक तो ये है कि इंटरनेशनल रिकग्निशन जब हो जाता है तो फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है यहाँ पे कंजर्वेशन का फोकस, फंडिंग मिलना अपने विभिन्न प्रकार के कार्य वो प्रोग्राम्स के लिए, और कोई भी स्कीम अगर हमें बनानी हो उसके लिए। मोतिहारी में बिहार राज्य अंडर 17 शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिला खेल पदाधिकारी गौरव कुमार और रोटरी प्रेसिडेंट डॉक्टर LB प्रसाद ने प्रतियोगिता का आयोजन किया। 10 जून तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में जिले के 100 से भी ज्यादा खिलाड़ी भाग लेंगे। मोमेंटो देते हुए हमारे डॉक्टर साहब पदाधिकारी होने के नाते
हमारी डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन ने आज ये जो इतनी अच्छी चेस चैंपियनशिप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है यहाँ पे, मैं बहुत खुश हूँ। मैंने तो एड्रेस भी किया है, बच्चों को बताया भी है कि चेस बच्चों को एक एकेडमिक्स के साथ साथ एक स्पोर्ट्स में भी अच्छे से इन्वॉल्व होना चाहिए। इससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, जो बोलते हैं कि एक ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट कैसे अच्छा होना चाहिए उसके लिए स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर चेस। मैंने बताया ना कि चेस एक खेल ही नहीं है, ये चेस एक इस तरह का खेल है जहाँ पे बच्चे अपना मेंटल एक्सरसाइजेस करते हैं। इन चेस का आयोजन कराया गया है चेस एसोसिएशन के द्वारा, जिसमें हमारे बिहार के अलग अलग जिलों से काफ़ी पार्टिसिपेंट्स आप देख भी रहे हैं, उनके गार्जियंस भी हैं। मैंने सभी बच्चों को शुभकामना दिया है और जिला प्रशासन की तरफ से उनको आश्वस्त किया है कि उनको कोई रहने में, खाने में और बाकी उनको खेलने में कोई असुविधा ना हो, उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए भी मैंने शुभकामना दिया है। गिरिडीह में गर्मी लगातार बढ़ रही है, पारा 40 डिग्री सेल्सियस से पार हो चुका है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई है। भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप से राहत पाने के लिए लोग गन्ने के जूस का सहारा ले रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह जिले में मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अभी फिलहाल 38 डिग्री सेल्सियस की गर्मी है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग के द्वारा बताया गया है कि गिरिडीह जिले में हीट वेव रहने वाली है, जिससे लू लगने की भी संभावना है। इसे लेकर के गिरिडीह समेत राज्य के कई जिलों को येलो अलर्ट की सूची में डाला गया है। वहीं लोग गर्मी से निजात पाने के लिए यहां पर गन्ने का जूस का सहारा ले रहे हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ये पहाड़पुर की जगह है और यहाँ पर पेड़ के नीचे छांव में गन्ने का स्टॉल लगाया गया है और इस प्रकार गन्ने का जूस मशीन से निकाला जा रहा है और आने जाने वाले सभी राहगीर कहीं ना कहीं अपनी प्यास बुझाने के लिए, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए इस गन्ने का जूस का सहारा ले रहे हैं। गन्ने का जूस गर्मी में कितना बिक रहा है आपका? गर्मी में कम से कम 350 गिलास बिक जाता है। बिक जाते हैं। कितना कमाई कर लेते हैं? 8,000 रोजाना का? रोज का है। गन्ने का जूस, आप गन्ने का जूस पीना है? जी। क्यों, कितना फायदा होता है गर्मी में? टेस्टिंग के लिए बहुत फायदा है। टेस्टिंग के लिए? जी। धूप से भी बचाता है ना? फ्लू के लिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टिंग भी अच्छा है। तो इस प्रकार गन्ने का जूस गर्मी से बचाव के लिए रामबाण का एक रामबाण है और ऐसे में सभी राहगीर, आने जाने वाले लोग गर्मी से निजात पाने के लिए गन्ने का जूस का सहारा ले रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज 18 के लिए मैं एजाज अहमद। सरायकेला के पलना गांव में गर्मी में किसान धान की खेती कर रहे हैं। करीब 6,000 किसान भीषण गर्मी में धान काट रहे हैं। किसानों ने बताया है कि पलना डैम बिहार राज्य के समय में निर्माण किया गया था, तब से गांव के किसानों को काफी सहूलियत होती है। भीषण गर्मी में भी गांव में पानी की सुविधा रहती है, जिसके वजह से किसान दो बार धान की खेती करते हैं। इन दिनों सरकार के लाम से धान की खरीदारी नहीं होती, जिससे किसानों को खुले बाजार में अपनी फसल बेचनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे पानी है तो इधर से पानी आता है ना, तो अभी अभी का टाइम तो नहीं है ना मतलब धान रोपने का, तो अभी जैसे इधर जैसे हम लोग के गांव तरफ अभी तो नहीं होता है, तो इधर मतलब सबको इसे पानी आता है तो इसे कुछ कुछ चास करते हैं, जैसे धान सब्जी और भी बहुत कुछ। पानला डैम से आसपास के किसानों को बहुत ज्यादा फायदा, हम लोग यहाँ दो बार ये रोपाई कर सकते हैं। एक बार जैसे इस टाइम होता है मतलब ठंडा के टाइम होता है, अभी एक बार गर्मी के टाइम होता है। इसमें फायदा ये कि हम लोग का पानी उनी का पूरा एकदम व्यवस्था है, पूरा पानी उनी का कुछ दिक्कत नहीं है। बाकी जैसा जगह जैसे एक ही बार ये हो सकता है, धान का रोपाई हो सकता है, यहाँ दो बार हो रहा है। गांव में कितने किसान क्या करते हैं? गांव में अधिकतर किसाने हैं, सब वही ये ही करते हैं, चावल मतलब धान उनी ये करते हैं। सब्जी होती है? हाँ सब्जी होती है। पानी का दिक्कत नहीं इसलिए सब्जी होती है। पलामू के मेदिनी नगर शहर में इन दिनों लोग सड़क जाम की समस्या से परेशान हैं। दरअसल शहर में सिंगारा पुल का निर्माण बड़े वाहनों के निकलने के लिए हुआ था, लेकिन पुल के दोनों तरफ अप्रोच न होने के कारण बड़े वाहन शहर के बीच से निकलते हैं, जिससे जाम लग जाता है और इस वजह से गढ़वा जाने वाली ट्रक की चपेट में आने से एक व्यक्ति की भी मौत हुई थी, लेकिन अभी तक इस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। मौके का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता नीलकमल ने। मौजूद हूँ सिंगरा गांव में, यहाँ पे एक पुल बनकर 2016 में बनकर तैयार है। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं, इस पुल का मकसद था कि जो शहर का जो बड़े वाहनों का परिचालन है
जो कि गढ़वा और छत्तीसगढ़ के जो वाहन है वो इस पुल से क्रॉस करते, इधर से गुजरते, ताकि शहर के जो हालात है उसमें थोड़ी कमी आती। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये 16 में पुल बन के तैयार है, लेकिन इसमें अप्रोच सड़क नहीं बनी है। आप देख सकते हैं कि ये इस छोर के हालात है और ठीक इसके दूसरे छोर भी यही हालात। साइड का अप्रोच सड़क नहीं बनने से कितना परेशानी? परेशानी बहुत है ना, ऑटो गाड़ी नहीं जाता है, चार चक्का लोग शहर में जाने के लिए दिक्कत होता है। एक इसी मोड़ पे पिछला साल एक्सीडेंट हो गया था जिससे एक लड़का मर गया था। कि नया पुल चाहते हैं सरकार, के कितनी पूंजी लगी हुई है इस पुल में। दूसरे पुल की मांग की जा रही है, लेकिन ये जो सिंगरा में बना पुल जो है, ये इसका अप्रोच सड़क अगर बन जाता तो थोड़ी राहत शहरवासियों को भी मिलती। और जिस मकसद से ये पुल का निर्माण कराया गया था, आसपास के कई गांव के ग्रामीणों को भी इसका फायदा मिलता। नीलकमल, न्यूज 18 पलामू। हजारीबाग में लोगों को संस्कृत बोलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिसको लेकर झारखंड और बिहार से लगभग 200 से ज्यादा विद्यार्थी को संस्कृत बोलने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 7 दिवसीय प्रशिक्षण में विद्यार्थी एक दूसरे से संस्कृत में बात करेंगे और मौके का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी ने। और इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18।